जो फैसले नहीं करते उस चीज के मुताबिक जो अल्लाह ने नाजिल की है, वही तो काफिर है। तुमने काफिर किसे समझा है? वमन लम याकुम बिमा अंज़ला फौलाइका हुमुल ज़ालिमून। जो अल्लाह की उतारी हुई शरीयत के मुताबिक फैसले नहीं करते वही तो मुशरिक है। वमन लम याकुम बिमा अंज़ला फौलाइका हुमुल फासिकून। जो अल्लाह की उतारी हुई शरीयत के मुताबिक फैसले नहीं करते वही तो नाहंजार है, फासिक है, गद्दार है, बागी है, सरकश है। ये तीन फतवे हैं मुफ्ती आजम के। मुफ्ती आजम कौन है? अल्लाह। कुरान में ये लफ्ज आया है अल्लाह के लिए। युफ्ती को यस्तफ्तूनक, ए नबी, ये आपसे फतवा मांग रहे हैं कलाला के बारे में। कुल अल्लाह युफ्ती को, कह दिए अल्लाह फतवा देता है। लो, तो मुफ्ती आजम कौन है? ये सारे दुनिया के मुफ्ती मिलकर भी अगर मुफ्ती बन जाए तो क्या अल्लाह के बराबर होंगे? और अल्लाह का फतवा यह है जो अल्लाह की उतारी हुई शरीयत के मुताबिक फैसले नहीं करते वही तो काफिर है, वही तो जालिम है, वही तो मुशरिक है, वही तो फासिक है, वही तो सरकश है। और ये तीन फतवे एक रुकू में आए हैं, सूरह मायदा का रुकू नंबर 7। तो ये शहादत जो है, ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। ठीक है, कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब तुम्हें मालूम नहीं है, शहादत गाह में आ गए। और शहादत से मुराद तुम्हारे कौल से अल्लाह और उसके दीन की गवाही मिलनी चाहिए, तुम्हारे अमल से अल्लाह की और उसके दीन की गवाही मिलनी चाहिए, और इंफिरादी ही नहीं, इज्तिमाई सतह पर अल्लाह के दीन को कायम करके गवाही दो दुनिया के सामने के दे।